गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे, और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट नंबर 1 डिस्कस हो गया है, पार्ट 1, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया था। आज जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट, आज सेकंड पार्ट हम देखेंगे अपना। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ और उससे पहले क्या था, है ना। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसा कि हमने देखा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो मोस्ट ऑफ द ब्रिटेन से या ब्रितानी से स्टार्ट हुआ था, और वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है इंग्लैंड। लेकिन उत्पादन उससे पहले भी होता था, लेकिन जो एक बेसलाइन या मास प्रोडक्शन इस टाइप का नहीं होता था। तो आपने इससे पहले जितने भी चैप्टर हमने डिस्कस किए उसमें इन सब की बात की थी। आज जो ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये हमारा जो मेन चैप्टर फोकस करेगा, कैसे कैसे इंडिया, वर्ल्ड और इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऑल टू ऑफ्टन बी एसोसिएटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम एसोसिएट नॉर्मली कर लेते हैं जो फैक्ट्री या जो नॉर्मल वर्क होते हैं उनमें जो ग्रोथ हुई है उससे एसोसिएट कर लिया जाता है। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू डॉट डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड द यूरोप, सेकेंड पॉइंट, एंड देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। यदि हम बात करें कि इंग्लैंड और यूरोप में जो फैक्ट्रियों की जो स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था या बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था या होने लगा था। इसी के साथ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में, मैनी हिस्टोरियन नाउ रिफर्स टू दिस फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी को मैनी ऑफ द इसी के जो इतना उत्पादन हो रहा था, तो मैनी ऑफ द जो पर्सन्स होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। इसी बात को लेके नाउ थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इन यूरोप, जो व्यापारी होते थे, चाहे वो टाउन से मूव कर रहे हो यूरोप के, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अब शहरों की तरफ, है ना, छोटे छोटे टाउन विलेजों से शहरों की तरफ या शहरों से गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के जो विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में
जो उपनिवेश हो रहा था उसकी स्थापना की, एक जो उसमें स्थापना के लिए जो पूरे विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी, उनकी डिमांड इंक्रीज होने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। शहरों तक ही अगर हम बात करें कि शहरों में लेके रह के हम इसको फुलफिल कर सकते थे, तो ऐसा इंटरनेशनल मार्केट को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो एक गिल्ड्स महोदय हुआ करते थे, गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक या कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, जो उनमें आपस में जो प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटेटिव जो पोजीशन होती थी और मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। ये कंडीशन चल रही थी बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज, ये 18वीं शताब्दी की स्निपिंग्स की मशीन, यानी 18वीं सदी में कताई की एक मशीन है। परिवार के जिसमें आपको देख पा रहे हैं सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। अगर आप इसके पीछे देखिए तो चरखे पर केवल एक ही तकली जो ये लगी हुई है, इसमें पैडल, एक ही पैडल से एक सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम इसको एक पर्सन नंबर मैनी नंबर ऑफ द जो कतली को यूज करेगा, एक बार में उससे ज्यादा ज्यादा डोरियां और ये सब ज्यादा ज्यादा धागा बनाएगा, तो इससे क्या होगा, तो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये है बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की गई है। जो मर्चेंट होते थे वो बेस करते थे इन अ टाउन, बट वर्क्स वॉज डन मोस्टली इन अ कंट्री साइड। रहते तो शहरों में थे लेकिन जो अपना वर्क था वो कंट्री साइड, यानी गांव एरिया, यानी लोकल एरिया में काम करते थे, यानी बेचते थे और वहां से लाते थे। अब मर्चेंट जो क्लोथर्स होते थे इन इंग्लैंड परचेज उलेन फ्रॉम अ वूल स्टपर्स, ये आप देख पा रहे हैं जो वूल स्टपर्स होते हैं उनसे वूल को करेक्ट करते थे, कैरी करते थे इट टू द स्नैपर्स, ठीक है, स्नैपर्स यानी जो कताई करते हुए थे। एंड यार्न दैट मीन थ्रेड दैट वॉज सम वॉज टेकन इन अ सबसिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर्स एंड फ्लकर्स एंड देन टू डाइस। ये लोग जो बात करें कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं और पूरी शहरों में रहते थे, शहरों के साथ साथ गांव में जाते थे, गांव में जाके वो घनिष्ठ संबंध बनाते थे, डेवलप करते थे और साथ में क्या करते थे, वो अपने जो प्रोडक्ट को वहां सेल करते थे, वहां से गांव से लाके शहरों में सेल करते थे। ये सौदागर हुआ करते थे जिन्हें मर्चेंट बोला जाता था। तो शहरों में, लेकिन इनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के अगर हम बात करें, जो कि हमने बात की, कपड़ा व्यवसायी जो होते थे स्टेपलर्स होते थे, ये ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, जिससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, ठीक है, जो फ्लर्स जो होते हैं और या जो रंग करते हैं, जो डायर होते हैं, जो डाई करते हैं, के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की जो फिनिशिंग होती थी उसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को
तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता जाना जाने लगा था। इस बीच आप यहां पर देख पा रहे हैं, लंदन इज फैक्ट कम टू नो एज अ फिनिशिंग सेंटर। नाउ हमने यहां पर डिस्कस किया स्टेपर की बात करें, अगर स्टेपर, फ्लर्स एंड कार्डिंग थ्री पॉइंट्स हैं। तो जो स्टेपर्स है, अगर इसकी बात करें, अ पर्सन हु स्टेपल आर शॉर्ट्स वुलन अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, ऐसा व्यक्ति जो रेशे रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता हो या छांटता हो। एंड फ्लर होता था ए पर्सन हु फल्स दैट इज गदर्ड क्लोथ बाय द प्लीटिंग, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता था यानी चुंटों के सहारे कपड़े को समेटता था। कॉर्डिंग वह प्रक्रिया होती थी जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। नाउ ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, यहां पर ये कताई और जो फ्लकर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इट वो दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेस। ये जो प्रोटो प्रा आदि औद्योगिकरण बात करें या प्राग औद्योगिकरण की बात करें, ये सिस्टम होता था नेटवर्किंग का, कॉमर्स के सिस्टम उसमें देखा जाए तो व्यवसाय के आधार पर। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट, ये पूरा व्यवसायियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। एंड वुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स नॉट इन अ फैक्ट्रीज। उस टाइम पे आप ये देख पा रहे हैं नीचे वाली इमेज में कि एक ही फैमिली मेंबर्स सब वर्क करते थे, नॉट अ कोई फैक्ट्री फर्म्स के रूप में नहीं थी, ये फैमिली फर्म्स के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर सिर्फ घर ही के लोग काम करते थे। एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर इम्प्लॉयड बाई ईच मर्चेंट्स, हर एक जो व्यापारी होता था, व्यवसायी होता था, वो 20 से 25 वर्कर्स को काम पे रखता था। और दिस मेंट दैट ईच क्लोदर्स वॉज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ द वर्कर्स, प्रत्येक जो औद्योगिक होता था या सौदेगार जो व्यवसायी होता था के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे कपड़ों के। हर जो सौदागर होता था उसके पास सैकड़ों लोग काम किया करते थे इस तरह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो अगर हम बात करें बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम सिर्फ फैक्ट्रियों को ही इसका मान लेते हैं, लेकिन इससे भी अलग रहता है क्योंकि काम पहले भी होता था। लेकिन पहले क्या था, पहले लोग अपने घरों में प्रोडक्शन करते थे, सिंगल जो है स्टेपल वाले उससे प्रोडक्शन हुआ करता था, इसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते थे। लेकिन 19th और जो 17th एंड 19th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे वो मूव कर गए टाउन से कंट्री साइड की टाइप में, यानी गांव की तरफ मूव कर गए। अब वो देहात और शहर वाला वो करने लगे, और सप्लाइंग द मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस एंड परसुएडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर अ इंटरनेशनल मार्केट। इन लोगों ने क्या किया, वहाँ के किसानों को, वहाँ के आर्टिस्ट को, ड्रायर्स को, इनको मनी दिया, सप्लाई किया और वहाँ से माल प्रोड्यूस करवा के और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते थे। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पहले घरों से कलेक्ट किया जाता था, बड़े बड़े फार्म हाउस नहीं हुआ करते थे, पहले क्या हुआ करते थे, फैमिली फार्म्स हुआ करती थी, जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ये इमेज में आप फैमिली फार्म्स के रूप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर फैमिली फार्म्स होते थे। जो सामान था जो बनने वाला, तो व्यापारी एक जगह से उठाते थे, स्टेपलर के पास पहुंचाते थे, वो स्टेपलर करता था, उलन को फाइबर के अकॉर्डिंग अलग करता था, फिर फ्लर्स के पास पहुंचाते थे, वो वहां से अलग करता था, फिर कार्डिंग के पास पहुंचाते थे, कार्डिंग काम करता था, उसके बाद फिनिशिंग सेंटर के पास जाता था जो लंदन में हुआ करते थे। इसीलिए वहां पर माल प्रोड्यूस होता था और ये लोकल मार्केट में सप्लाई किया जाता था। इस तरह से हर एक के पास अपने 20 से 25 नौकर होते थे और हर एक सौदागर सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ द वर्कर्स पे कंट्रोल रखता था।
तो आई होप आप वो समझ गए होंगे। नाउ कमिंग अप द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का आना स्टार्ट हुआ। अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कम अप बाय द 1713 सेंचुरी, 1730 के दशक में स्टार्ट हुआ। इट वॉज ओनली ना लेट 19 सेंचुरी दैट नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड है। अगर हम यहीं पे बात करें जो 1730 के दशक से कारखाने खुलने लगे, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा जो हुआ जो 18वीं सदी के आखिर में हुआ। इसी के साथ द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा ऑफ द कॉटन, इसी को हम फर्स्ट सिंबल बोलते हैं कॉटन के एरा का, क्योंकि कॉटन का यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन टेक्सटाइल की उसमें देखा गया, इसे मानता है। इट्स प्रोड्यूस बूम्ड इन अ लेट 19th सेंचुरी, लेकिन ये जो बूम हुआ लेट 19th सेंचुरी में, इसको कपास में जो उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। इसी के साथ इन 1716 1760 में अगर हम बात करें, ब्रिटेन वॉज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन फीडिंग द इट्स कॉटन इंडस्ट्री। 2.5 मिलियन पाउंड्स जो रॉ कॉटन था, यानी कच्चा माल था, कच्चा कपास हुआ करता था, उसको मंगाया और उससे प्रोड्यूस किया। बाय द 1787 1787 में दिस इम्पोर्ट सोल्ड टू द 22 बिलियन पाउंड्स। इसमें हुआ क्या, जो कपास की बात करें तो 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे माल का आयात करता था, जिसमें 1787 में यह आयात जो घटकर सॉरी आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे जो बदलाव का परिणाम था, और इसमें बदलाव क्या हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। द इंक्रीजिंग वॉज लिंक्ड अ नंबर ऑफ द चेंजेस विद इन अ प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शंस, द लेट अस लुक ब्रीफली इन सम दीज, देखते हैं शॉर्ट में अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जैसे कार्डिंग मशीन से स्टार्ट हो गया था, ट्विस्टिंग मशीनरी होने लगा था, स्निपिंग्स मशीनरी होने लगा था, रोलिंग मशीनरी होने लगा था, दैट्स वाई प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई। द इनहांस द आउटपुट पर वर्कर्स इनेबलिंग ईच वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर, हर एक वर्कर ज्यादा माल बनाने लगा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा। एंड दे मेड द पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न, वो मजबूत धागा और उस उलन को बनाने लगे, उसी को बात करें। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएट अ कॉटन मिल, कॉटन मिल जो है रिचर्ड आर्कराइट ने क्रिएट किया। उस समय तक अगर हम देखें तो कपड़ों का उत्पादन बहुत तेजी से पूरे कंट्री यानी के बाहर देखने को, यानी शहरों से बाहर यानी कंट्री साइड, गांव साइड में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला पूरे तेजी से। कैरीड आउट विद इन विलेज एंड हाउस होल्ड, बट नाउ लेकिन अब द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड सेटअप मेंटेन्ड इन द मील विद इन द मील ऑल द प्रोसेस वर बॉट टुगेदर अंडर द रूफ ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या होने लगा, अब इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने लगे, जैसे मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था,
कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक ही छत के नीचे एक ही मालिक के हाथों में आ गई थी। पहले क्या था, कार्डिंग कोई और करता था, फ्लगिंग कोई अलग करता था, स्निपिंग कोई अलग करता था। अभी क्या था, सब एक ही छत के नीचे हर एक मशीन पे अलग अलग काम होने लगे थे, और उनके चलते जो प्रक्रिया पर जो निगरानी या गुड़ की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सकता था, मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था, क्योंकि सब एक ही प्लेस पे हुआ करते थे। जब तक उत्पादन गांवों में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे, लेकिन अभी सब क्या हुआ, अभी सब जो वर्क थे वो पॉसिबल हो गए थे, है ना। क्योंकि कंट्री साइड में कोई कोई भी वर्कर, कोई भी जो मेन पर्सन है, ऑनर है, वो हर एक मशीन पे जाके चेक नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या था, वो सबको एक ही छत, एक ही उसके नीचे ध्यान रख सकता था, सभी को सुपरवाइज कर सकता था। तो ये कंपनी के आने से हुआ। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये एक मशीन फैक्ट्री, और ये देखो फैक्ट्रीज ही लगी हुई हैं, ठीक है। ये लंका शायर की इमेज है, कॉटन मिल है लंका शायर की, ठीक है, उसको इसमें दिखाया गया है, लंदन की फेमस मिल है वहां पर। इन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि औद्योगिकरण परिवर्तन की जो रफ्तार थी वो कैसे बदल गई। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज है, रैपिड है तो कितनी, हाउ, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था, इस पे भी बात होती है। तो अगर हम बात करें, द फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन जो है, एंड मेटल्स, एंड ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840, ठीक है, आफ्टर द आयरन एंड स्टील लेड द वे। सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग देखे जा सकते थे, और तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, जो कि हमने पहले ही बात की कर चुका हूं। इसी के बाद लोहा और स्टील उद्योग भी एकदम ड्रास्टिक तरीके से उनमें चेंज देखने को मिला। फिर 1840 के दशक से इंग्लैंड में, 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, और जिसके कारण क्या हुआ, लोहे और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी। देन 1873 में थ्री तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी, जो ये यहां पर मिली। फिर सेकंड उसमें क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी इजिली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इवन इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वॉज इम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एंड टेक्सटाइल वॉज अ डायनेमिक सेक्टर, एंड बट लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट। मतलब ये हुआ कि नए जो उद्योग थे, पर प्राकृत उद्योगों को इतनी आसानी से हंसाने पर नहीं ढकेल सकते थे। 19th सेंचुरी के लास्ट में तकनीकी रूप से विकसित जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या में से 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था,
लेकिन उद्योगों उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा उद्योगों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहा है यहाँ पर, अब देख पा रहे हैं द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जो परिवर्तन हो रहा था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाय द स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, बट दे डिडेंट रिमेन इंटायरली स्टेगनेंट आइदर, सिम जो शिमेंगली ऑर्डरली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन मैनी नॉन मर्चेंट्स सेक्टर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरीज, ग्लास वर्क, टनिंग, फर्नीचर मेकिंग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंट्स। इसको हम इसमें जो बात करते हैं कि जब से औद्योगिक प्रसंस्करण निर्माण, पॉटरी, कांच के सामान, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम हो रही थी। अब फोर्थ है यहाँ पर द टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो धीरे धीरे बदल रहा था एंड दे डिडेंट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ये पूरे भूदृश्य में एकदम एकदम से चेंज नहीं था, ये स्टेडली जो चेंज हो रहा था। अ न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क कॉटियस अबाउट यूजिंग इट एंड मशीन्स ऑफ्टन ब्रोकन डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, बहुत महंगी थी, बहुत धीरे धीरे इनको यूज किया जा रहा था क्योंकि ये एक बार बनने पर रिपेयरिंग इनकी बड़ी कॉस्टली हुआ करती थी। दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड, इस तरह से जो उत्पाद थे जो मशीनें अक्सर जो खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं द्वारा दावा किया जाता था पहले, चाहे हो चाहे आप। जेम्स वॉज इंप्रूव्ड स्टीम इंजन जो था भाप वाला इंजन उसको इंप्रूव कर दिए थे एंड प्रोड्यूस अ न्यू कॉमन एंड पेंटेड न्यू इंजन इन 1781, 1781 में नया इंजन बनाया गया जो कि जेम्स वॉट ने जो न्यू कॉमन द्वारा बनाया गया भाप के इंजन में सुधार किया और वही 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया गया और इस मॉडल का जो उत्पादन था वो दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने कराया था। इसी के साथ हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड जो मैथ्यू बुल्टन मैन्युफैक्चर्ड न्यू मॉडल एंड अबाउट बट फॉर अ इयर्स ऑफ द कुड फाइंड नो बायर्स, लेकिन अब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, उससे इम्प्रूव जो है न्यूकॉल्स ने बनाया उसको पेटेंट कराया, ठीक है पेटेंट हुआ और पेटेंट किसने किया, मैथ्यू बोल्टन ने जो इसके फ्रेंड थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसके भी बायर जो खरीदार नहीं दिखे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज नो मोर देन 321 से ज़्यादा नहीं बिके। स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड, 80 इंजन्स जो थे कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 उलेन इंडस्ट्रीज में थे, रेस्ट जो थे वो माइनिंग, कैनाल वर्क और आयरन वर्क में लगे हुए थे। स्टीम इंजन वर नॉट, ये देखो आप यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं, यूजिंग एनी वन ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। फिर आगे चल के स्टीम इंजन जो थे डिफरेंट डिफरेंट आप देख पा रहे हैं कताई में है ना, ये फिटिंग में यूज किए जाने लगे, उनको फैक्ट्रियों के काम के आधार पर। थैंक
थैंक यू सो मच। तो आज जो आपने देखा कि कैसे इंडस्ट्री से पहले अगर हम बात करें कैसे इंडस्ट्री चेंज हुआ, कैसे इंडस्ट्रीज आई, सबसे पहले जैसे टेक्सटाइल की बात करते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द देखने को मिली, फिर उनका जो प्लेस था वो कैसे चेंज होने लगा, कैसे वो ट्रेडिशन से मॉडर्न, मॉडर्न से एडवांस में बढ़ने लगी, कैसे स्टीम इंजन से न्यू इंजन डेवलप होने लगे, और उनका जो डिमांड थी आखिरकार जो आफ्टर सम टाइम वो भी कम हो गई इनके लिए भी, नो वायर फाइंड एनी वेयर, ओनली 321 जो स्टीम इंजन्स थे ऑल ओवर इंग्लैंड वही जो बाय हो पाए थे बाय हुए थे बस। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।